Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to discuss the current affairs of 26th of December 2018 and जो सबसे पहली important news हमारे लिए थी वो थी draft rules to regulate social media and यहाँ पे हिंदू का कहना है कि जो सरकार ने rules frame किए हैं that are in response to the concerns raised by the Supreme Court. तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंसर्न थे सुप्रीम कोर्ट के एंड उसके करेस्पॉन्डेंस में क्या रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 17 को बोला था कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक स्टेप्स टू कर्ब एंड स्टॉप डिसिमिनेशन ऑफ इररेस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्लोसिव मैसेजेस. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई भी इररेस्पॉन्सिबल या एक्सप्लोसिव मैसेजेस का इनको जो डिसिमिनेट करना है या फैलाना है ये कैसे रोका जा सकता है. तो सेंटर ने अपने ड्राफ्ट रूल में प्रपोज किया है कि जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब इनको ओरिजिनेटर बताना पड़ेगा सोर्स का कि ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई सो डैट एन एफ आई आर कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट डैट पर्सन. जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 11 को गाइडलाइन जारी की थी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए ताकि पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो इन साइट से कैसे हटाया जाए. तो सेंटर ने अपने ड्राफ्ट रूल में ये रखा है कि जो इंटरमीडियरीज हैं व्हाट्सएप एंड फेसबुक दे शुड हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी टू स्टॉप यूजर्स फ्रॉम पोस्टिंग मटेरियल विच इज़ पोर्नोग्राफिक हेटफुल एंड और रेशियली ऑब्जेक्शनेबल. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो तीसरा सेंटर ने अपने ड्राफ्ट रूल्स में रखा है वो ये रखा है कि जो व्हाट्सएप एंड फेसबुक है इनको अपॉइंट 24/7 एक आदमी देना पड़ेगा एक बेसिकली एक कोऑर्डिनेटर देना पड़ेगा जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करे ताकि जैसे ही कोई भी हेटफुल मैसेज आए उसको रिमूव किया जा सके. ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक कंसर्न था कि देयर शुड बी सर्टेन एक्शंस विच शुड बी टेकन बाय इंटरमीडियरीज टू रिमूव द ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट फ्रॉम देयर साइट. तो बेसिकली इस एडिटोरियल इस आर्टिकल में ये था. अब ये हमारे लिए क्या यूजफुलनेस है इस एक आर्टिकल का वो हम देख लेते हैं. हम सबसे पहला तो ये इसको GS3 मेंस में यूज़ किया जा सकता है. थ्रेट्स पोस्ट बाय द सोशल मीडिया टू नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड यू ऑल कैन यूज दीज ड्राफ्ट रूल्स एज सजेशंस इन योर आंसर. तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूज़ किया सकता है. दूसरा इंटरव्यू में जिन लोगों का इंटरव्यू है वो इन ड्राफ्ट रूल्स के साथ पूरी तरह से इनको देख लें कि क्या रूल्स हैं. दे कैन डायरेक्टली आस्क यू व्हाट आर द ड्राफ्ट रूल्स दैट आर बीइंग फ्रेम्ड एंड हाउ यू व्हाट स्टेप्स यू कैन सजेस्ट टू कर्ब सच कंटेंट इन सोशल मीडिया. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो इस पेज में दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है बोगीबील ब्रिज से रिलेटेड. बोगीबील ब्रिज जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है एंड कहाँ पे बना हुआ है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बना हुआ है. इट इज 4.94 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इट कनेक्ट द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम धमीजा एंड डिब्रूगढ़. ध्यान रखिएगा ये असम के दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा धमीजा एंड डिब्रूगढ़ को एंड इट ऑल्सो हैज एन स्ट्रेटेजिक कंसर्न दैट इट वुड प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी टू अवर डिफेंस फोर्सेस. इट वुड प्रोवाइड फॉर ईजी मोबिलाइजेशन ऑफ अवर फोर्सेस. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा जो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है गुड गवर्नेंस डे से रिलेटेड. गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of December बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी. तो ये ध्यान रखिएगा. एक और चीज़ बोगीबील ब्रिज के बारे में ध्यान रखिएगा कि इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विच इज़ द लॉन्ग लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया. बोगीबील ब्रिज जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट है. अब इस एक आर्टिकल की हमारे लिए क्या यूजफुलनेस है वो ये है कि प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है कि बोगीबील ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर. तो ध्यान रखिएगा बोगीबील ब्रिज इज बिल्ट ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर. इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द ब्रह्मपुत्रा रिवर. इसके बाद जो इस पेज पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ले मेक शॉर्ट वर्क ऑफ अ माउंटेन ऑफ वेस्ट. तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हाईलाइट किया गया है प्रोजेक्ट सांगडा विच इन विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज टर्निंग द वेस्ट इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग गुड्स सच एज कर्टेन्स टॉयज एशंस और कवर्स. तो वेस्ट के जरिए बेसिकली जो रीजनरेशन किया जा रहा है उसका रीयूज किया जा रहा है उसको हाईलाइट किया गया है. एंड इवन जो वाइन या बियर की ब्रोकन ग्लासेस एंड दे आर रीयूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग बाय लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज. ये ध्यान रखें. यहाँ पे इस आर्टिकल में एक और जो हमारे न्यूज है वो है पेंगोंग लेक इज इन ले. ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा जो यहाँ पे एक न्यूज और हाईलाइट की गई है वो
ये है कि टूरिज्म इन ले हैज इंक्रीज आफ्टर द रिलीज ऑफ थ्री इडियट्स. वी ऑल रिमेंबर द लास्ट सीन ऑफ थ्री इडियट्स दैट वॉज शॉट अराउंड द पेंगोंग लेक एंड आफ्टर दैट द टूरिज्म इन ले हैज इंक्रीज एंड दिस ऑल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्म इन प्रमोटिंग टूरिज्म. तो यहाँ पे हमारे लिए यूजफुलनेस क्या है इस आर्टिकल का, सबसे पहले प्रिलिम्स में ध्यान रखिएगा पेंगोंग लेक इज इन ले. दूसरा जो है वो मेंस में आप GS3 में अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन तो आप प्रोजेक्ट सांगडा का एग्जाम्पल दे सकते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में इलस्ट्रेट लिखा हुआ आता है तो यू कैन राइट अबाउट प्रोजेक्ट सांगडा इन विच एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजिंग द वेस्ट टू फॉर रेवन्यू जनरेटिंग गुड्स सच एज कर्टेन्स एंड टॉयज. इसके अलावा आप GS3 में ही अगर आपसे पूछा जाता है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट यू कैन हाईलाइट इज प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री. तो ये ध्यान रखिएगा टूरिज्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे आप उसका सॉल्यूशन दे सकते. इसके बाद सेकेंड पेज में अपॉर्चुनिटीज थी, यहाँ पे कोई हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी. थर्ड पेज पे भी जितनी भी न्यूज़ थी सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ थी, सो दैट वॉज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पेज पे सारे के सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह थे सो वी कैन स्किप देम वेरी इजीली. अब हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ पेज पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ऐड के रूप में है. यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐड दिया है शहीद उधम सिंह के ऊपर, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है. एंड लेट्स टॉक अबाउट शहीद उधम सिंह. ही बिलोंग टू गदर पार्टी and he is best known for assassinating Michael O. Dyer, former Lieutenant Governor of Punjab on 13th of March 1940. And इन्होंने Michael O. Dyer को क्यों मारा? Because he was the Lieutenant Governor of Punjab at the time of Jallianwala Bagh Massacre in 1919. तो ध्यान रखिएगा कि 2019 में 100th anniversary होगी Jallianwala Bagh Massacre की, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए important हो जाता है शहीद उधम सिंह ध्यान रखिएगा. And don't confuse लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर विथ द रियल डायर. हिज नेम वॉज रेगिनल्ड डायर हु ऑर्डर्ड द मैसेकर इन जलियांवाला बाग. तो ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे हमारे लिए यूजफुल न्यूज़ है प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उधम सिंह की पार्टी कौन सी थी. ध्यान रखिएगा उधम सिंह की पार्टी थी गदर पार्टी. तो ये न्यूज़ थी उधम सिंह से रिलेटेड. इसके बाद पेज नंबर 6 में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी पासिंग अवे ऑफ बंगाली पोएट नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लोग ऐसे टाइप के एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखें नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती वॉज अ बंगाली पोएट. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 7 पे जहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि नो रिविजन ऑफ एज फॉर UPSC एग्जाम. गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड दैट द एज ऑफ जनरल कैंडिडेट वुड रिमेन द सेम. एक्चुअली ये न्यूज़ इसलिए बनी थी क्योंकि नीति आयोग हैज सजेस्टेड टू रिड्यूस द एज ऑफ जनरल कैंडिडेट्स फ्रॉम 32 to 27. सो गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड दैट प्रपोजल एंड दे हैज सेड दैट देर इज नो सच प्रपोजल ऑफ लोवरिंग द एज. तो ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है लेपर्ड से रिलेटेड कि 260 लेपर्ड्स हैव बीन पोस्ट सिंस 2015. तो हम लोग थोड़ा लेपर्ड्स के बारे में देख लेते हैं. दे आर प्लेस्ड इन वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट. तो इनका IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में है? वल्नरेबल में. एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर स्मगल्ड फॉर मेडिसिनल प्रैक्टिसेस एंड डेकोरेशन. ध्यान रखिएगा UPSC कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि कौन से इस जानवर की हंटिंग क्यों हो रही है. तो ध्यान रखिएगा लेपर्ड्स आर स्मगल्ड फॉर मेडिसिनल प्रैक्टिसेस एंड डेकोरेशन. इसके अलावा जो यहाँ पे एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा वो ये है कि मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया एज पर 2015 सेंसस. तो इस न्यूज़ का हमारे लिए क्या यूजफुलनेस था? सबसे पहली चीज़ ये कि रेड लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? रेड लिस्ट IUCN प्रिपेयर करता है. लेपर्ड की उसमें क्या पोजीशन है? उसकी पोजीशन वल्नरेबल की है. एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स किस स्टेट में है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स आर इन मध्य प्रदेश. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट से रिलेटेड. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि एक अपील फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में NGT के फैसले के खिलाफ. NGT हैज़ गिवन द डिसीजन टू स्टे द कंस्ट्रक्शन इन फॉर इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी विच इज़ बीइंग बिल्ट इन तमिलनाडु. तो ध्यान रखिएगा. तो ये न्यूज़ हमारे लिए, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रही है. तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है पोटीपुरम विलेज इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ये ध्यान रखिएगा. न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट इट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज
एंड अ वेरी स्मॉल मास विच माइट इवन बी जीरो. पहले इसको मासलेस माना जाता था बट रिसेंट स्टडीज हैव शो दैट इट हैज अ लिटिल मास, लेकिन न्यूट्रिनो के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिनोज आर पासिंग थ्रू अवर बॉडी एंड दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. तो इसका अपोजिशन क्यों हो रहा है? इसका अपोजिशन इसलिए हो रहा है बिकॉज मेनी पीपल आर सेइंग दैट इट वुड इम्पैक्ट द माउंटेन विच इज लोकेटेड इन दैट एरिया एंड इट वुड ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन विलेजर्स एज देयर वुड बी ब्लास्टिंग फॉर बिल्डिंग द टनल फॉर इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी. तो ये ध्यान रखिएगा. तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिनो क्या होता है, और तो न्यूट्रिनो इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज नो चार्ज एंड अ वेरी स्मॉल मास. इसके बाद जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रही है, तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग बिल्ट इन तमिलनाडु. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए वो है किलिंग ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट इन बिहार. इन 2018 टिल डेट 5 आरटीआई एक्टिविस्ट हैव बीन किल्ड इन बिहार. तो इसकी यूजफुलनेस कहाँ है? इन GS2 वाइल राइटिंग अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो हाईलाइट द नीड फॉर प्रोटेक्शन टू आरटीआई एक्टिविस्ट. तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हमको हाईलाइट करना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर किस तरह से अटैक हो रहे हैं. तो जब भी आरटीआई के बारे में लिखें तो प्लीज इसको हाईलाइट करें अपने आंसर्स में. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है नियोनेटल मोर्टेलिटी से रिलेटेड. एक नई स्टडी आई है जिसको किया है यूनिसेफ एंड WHO ने, एंड दे आर सेइंग दैट अराउंड 2.5 मिलियन न्यूबॉर्न्स डाई ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ इन 2017. तो ये ध्यान रखिएगा. तो इन्होंने इसके लिए सोल्यूशन क्या दिया है? सोल्यूशन इज मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर. इसके अलावा जो यहाँ पे हमको न्यूज़ ध्यान रखनी है वो ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है टू रिड्यूस न्योनेटल मोर्टेलिटी टू 12 डेथ्स और लेस पर 1000 लाइव बर्ड्स बाय 2030. तो टारगेट क्या है? 12 डेथ्स और लेस पर 1000 लाइव बर्ड्स बाय 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर. तो यहाँ पे सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इससे रिलेटेड. इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एडिटोरियल पेज पे. जो सबसे पहला एडिटोरियल था वो छबहार पोर्ट के ऊपर था, ये ध्यान रखिएगा. अब हम लोग देख लेते हैं तो ये क्यों लिखा गया है. दिस वॉज रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ टेकिंग ओवर चार्ज बाई इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एट ईरान्स छबहार एंड दे हैज नाउ टेकन द कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द साहिद बेहस्ती पोर्ट. हम लोग छबहार पोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है. इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान. ध्यान रखिएगा किस गल्फ में है छबहार पोर्ट, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान. एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ईरान के लिए? इट सर्व्स एज ईरान्स ओनली ओशियानिक पोर्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पोर्ट्स. फर्स्ट वन इज साहिद कालांतरी एंड द सेकेंड वन विच विल बी ऑपरेटेड बाई इंडिया फॉर 18 months इज साहिद बेहस्ती. तो ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ ओमान और छबहार पोर्ट. अब इंडिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया क्यों इसे बना रहा है या क्यों इंटरेस्टेड है? तो इंडिया के लिए पहली इंपॉर्टेंस ये है कि इट वुड ओपन अप अ परमानेंट अल्टरनेटिव ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. अभी तक क्या था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए बहुत सारे हर्डल्स फेस करता था फॉर डायरेक्ट ट्रेड रूट विथ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. सो नाउ वी कैन सर्कमवेंट देम एंड इट वुड ओपन अस अ परमानेंट अल्टरनेटिव ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. दूसरा फायदा क्या होगा? इट वुड फैसिलिटेट इंडियाज रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट्स. तीसरा एडवांटेज ये है कि इट वुड गिव अ बूस्ट टू इंडिया ईरान बायलैटरल टाइज. ईरान इज वन ऑफ द इंडियाज मेजर ऑयल सप्लायर, तो इससे जो है इंडिया ईरान के रिलेशंस में भी हेल्प होगी. तो बेसिकली तीन फायदे, ट्रेड रूट वाला, दूसरा है अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, तीसरा है इट वुड इंप्रूव इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशंस. अब चैलेंजेस क्या क्या हैं चबहार पोर्ट में रिसेंट वाले? तो सबसे पहला चैलेंज है US के सैंक्शंस को लेके. US हैज इंपोज सैंक्शंस ऑन ईरान दैट वी ऑल नो, बट दे हैव गिवन फॉर चबहार पोर्ट. बट US का कोई भरोसा नहीं है कि हाउ लॉन्ग दिस वेवर विल कंटिन्यू. दे कैन री इम्पोज द सैंक्शंस एट एनी मोमेंट गिवन द अपीवल इन द US एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये ध्यान रखिएगा. दूसरा जो चैलेंज है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड. एज US हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ इट्स ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान एंड सीरिया, सो देयर माइट बी अ सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटिंग टू चबहार आफ्टर द US विदड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान एंड सीरिया. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद जो तीसरा जो चैलेंज है वो है पाकिस्तान से रिलेटेड. पाकिस्तान में प्ले एज अ स्पॉयलर बिकॉज पाकिस्तान गोडार पोर्ट इज ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन विद चबहार. तो ये ध्यान रखिएगा. ये तीन चैलेंजेस हैं. पहला है US सैंक्शन से रिलेटेड, दूसरा है सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंड तीसरा है
आपका पाकिस्तान से रिलेटेड। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया विल हैव टू अगेन गो फॉर डिप्लोमेसी एंड वी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद चबाहर पोर्ट। जो दूसरा एडिटोरियल है वो नसीरुद्दीन शाह के कमेंट के कारण लिखा गया है। रिसेंटली नसीरुद्दीन शाह हैज मेड अ कमेंट डेट ही फील्स एंशियस फॉर हिज किड्स इन इंडिया गिवेन द इम्प्यूनिटी प्रोवाइडेड टू दोज हु आर टेकिंग लॉ इन देयर ओन हैंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। एंड इस आर्टिकल में हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि द इंक्रीजिंग रोल ऑफ मॉब वायलेंस इन इंडिया, एंड जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन इंक्रीजिंग मॉब वायलेंस इन इंडिया। एंड मेंस में पेपर फोर में एथिक्स में आपको केस स्टडी के रूप में दिया जा सकता है, व्हाट विल यू डू इन सच अ सिचुएशन इफ यू आर पोस्टेड एज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेयर एन इवेंट इज टू बी होस्टेड बट इट माइट कॉज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि व्हाट विल यू डू। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट यू कैन डू इफ यू आर प्लेस्ड इन सच अ सिचुएशन। जो लीड आर्टिकल है आज का वो है इलेक्शंस इन एन इम्बैटल्ड डेमोक्रेसी। बेसिकली इट इज़ एन आर्टिकल अबाउट इलेक्शंस इन बांग्लादेश एंड ऑथर इज सेइंग दैट द इलेक्शंस इन बांग्लादेश आर ब्लड स्पोर्ट्स। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों पार्टीज के जो वर्कर्स हैं दे एंगेज इन वायलेंस एंड विद इन टू वीक्स ऑफ कैंपेनिंग देयर हैव बीन 8 डेथ्स एंड डजन्स ऑफ इंजरीज। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ये है बांग्लादेश के इलेक्शन से रिलेटेड, और बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। रेस्ट ऑल ही हैज़ व्हाट ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इज द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ शेख हसीना लेड अवामी लीग, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द अवामी लीग गवर्नमेंट इन सिंस 2009, एंड देन ही हैज़ डिस्कस द नेचर ऑफ द फ्रॉड नेचर ऑफ बांग्लादेशी डेमोक्रेसी। और इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कैसे इन 1996 द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी did not yielded the power to Awami League who won the that election again in 2006 Bangladesh Nationalist Party repeated the same thing। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है बांग्लादेश की, डेट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे हमको तीन फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहला कि दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है बांग्लादेश की, पहली अवामी लीग विच इज़ लेड बाय शेख हसीना, दूसरी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी विच इज़ लेड बाय खालिदा जिया, एंड बांग्लादेश ऑल्सो फॉलोज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लाइक इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे इस एक न्यूज़ आर्टिकल को फॉलो अप करते रहना है बिकॉज द इलेक्शन रिजल्ट इन बांग्लादेश कैन इम्पैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बिकॉज आवामी लीग इज सपोर्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इज बेसिकली सपोर्टर ऑफ चाइना। सो इलेक्शन रिजल्ट कैन इम्पैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बट देर वॉज नथिंग मच इन दिस आर्टिकल सो वी कैन लीव इट। जो दूसरा आर्टिकल था वो रिसेंट जो एक डायरेक्टिव जारी किया है यूनियन होम सेक्रेटरी ने विच डेट अलाउज 10 सेंट्रल एजेंसीज टू मॉनिटर इंटरसेप्ट एंड डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसमिटेड जनरेटेड और स्टोर्ड और रिसीव्ड इन एनी कंप्यूटर। तो इसको लेकर के है बेसिकली यहाँ पे ऑथर्स का आर्ग्यूमेंट है कि इट वुड फेल द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसका कारण है जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट दिया गया है के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसके बाद ऑथर्स को लग रहा है कि दीज सेक्शन अंडर विच दीज रूल्स वर फ्रेम्ड विल नॉट बी एबल टू फेस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। दूसरी चीज जो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की है कि दीज रूल्स ऑल्सो फेल द टेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के क्या रूल्स हैं, सबसे पहला रूल ये है कि नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट हियरिंग, किसी को भी बिना सुने सजा नहीं देनी है, एंड नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, कोई अपने ही केस में जज बन के नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पे पहला नियम जो नेचुरल जस्टिस का है, नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट हियरिंग, ये वायलेट करते हैं ये रूल्स, क्योंकि इन रूल्स के अंदर जो है वो आपके कंप्यूटर को या आपका सर्विलियंस चालू किया जा सकता है विदाउट इवन गिविंग अ चांस यू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हियरिंग। तो इस कारण से इनको लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का टेस्ट नहीं फेस करेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी चाहिए वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। राइट टू प्राइवेसी फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19 and 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो यहाँ पे सेक्शन 69 के अंडर में जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंडीशंस कौन सी हैं देख लेते हैं। जो पहली कंडीशन है व्हेन इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सोवरनिटी और इंटीग्रिटी, दूसरी जो है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तीसरी फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, चौथा पब्लिक ऑर्डर,
एंड पांचवा जो है फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू दिस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पांच कंडीशन है, इनमें से जो पहली चार कंडीशन है विच इज इंडियन सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड पब्लिक ऑर्डर, ये चार जो है वो आर्टिकल 19(2) में मेंशनड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो पांचवी है प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट इज नॉट प्लेस्ड। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सो बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे ऑथर्स का वो यही है कि दीज रूल्स वुड नॉट पास द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। हमारे लिए जो यूजफुल है इस आर्टिकल में वो सबसे पहले तो प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा मेंस में GS2 में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सर्विलियंस स्टेट एंड हाउ इट इज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी, हाउ सर्विलेंस स्टेट इज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी। तो आप लोग आंसर सेक्शन में अगर लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिएगा कि व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड जो GS3 में इस टॉपिक से पूछा जा सकता है वो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज से पूछा जा सकता है कि हाउ टू बैलेंस द लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ द स्टेट विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो ये ध्यान रखिएगा इस एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 9 पे। आज इंटरव्यू आया है भूपेश बघेल का, ही इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। एंड इस इंटरव्यू में हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, सिर्फ एक मायोजम वाला था, वहाँ पे उसको हाईलाइट किया गया है कि वी शुड नॉट टॉक टू द नक्सल्स, एंड चीफ मिनिस्टर इज सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द नक्सल्स वी शुड टॉक टू द विक्टिम्स ऑफ नक्सलिज्म, जिन लोगों को नक्सलिज्म के कारण दिक्कत हुई है हमें उनके साथ बात करनी चाहिए। एंड ही सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म। तो ये ध्यान रखिएगा इस पेज में, बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। यहाँ पे जो पेज नंबर 10 पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, वो है कि इंडियन हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान इज फेसिंग द गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाकिस्तानी अथॉरिटीज आर नॉट अलाउइंग हिम गैस कनेक्शन। तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस और ख़राब हो जाएं, और इंडिया कुड टेक रिटेलिटरी स्टेप्स अगेंस्ट द पाकिस्तानी हाई कमीशन इन इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के इशू बनाया जा सकता है। बाकी इस पेज में सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ थी, सो वी कैन स्किप इट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज ऑन पेज नंबर 11 इन विच जयराम फाइल्स प्ली ऑन आधार। तो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया था जहां पे उन्होंने कहा था कि आधार बिल हैज राइटली बीन पास्ड एज अ मनी बिल इन द लोकसभा, एंड नाउ जयराम रमेश हैज चैलेंज्ड दैट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या है, इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। स्टोरी ये है कि एज गवर्नमेंट वॉज नॉट हैविंग अ क्लियर मेजोरिटी इन राज्यसभा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो गवर्नमेंट पास द आधार बिल एज अ मनी बिल। अब मनी बिल क्या होता है, मनी बिल इज मैंशनड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देर आर 7 कंडीशंस रिलेटेड टू इट, लेकिन जो उसकी बेसिक कंडीशन है वो ये है कि इट वुड डील विथ मनी बींग डिपॉजिटेड और टेकन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और इट शुड डील विथ इम्पोजिशन एवोल्यूशन रिमिशन ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ही उसको मनी बिल माना जाता है। बाकी 6 कंडीशन हैं, आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टेल अस। तो ये मनी बिल से रिलेटेड, मनी बिल के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मनी बिल हैज़ टू बी पास्ड ओनली फ्रॉम लोकसभा, एंड राज्यसभा में जाता है दे कैन पास इट और डू नॉट पास इट, इट वुड नॉट बी ऑफ एनी कंसर्न, एंड दे हैव मैक्सिमम 14 डेज टू पास दैट बिल विथ और विथआउट एनी सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट। तो इसको लेकर के जयराम रमेश ने चैलेंज किया है कोर्ट में कि आधार बिल शुड नॉट हैव बीन पास्ड एज अ मनी बिल। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था, उसका कारण था सेक्शन 7 ऑफ द आधार एक्ट इन विच द मनी इज बीन टेकन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस कारण से उसको सही माना गया था। नाउ वी विल सी वेदर दिस वट एक्शन इज टेकन बाई द सुप्रीम कोर्ट। हमारे लिए जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहला है मनी बिल, उसका आर्टिकल हमने देख लिया 110 एंड इट्स अदर प्रोविजन्स। इसके बाद जो GS2 में पूछा जा सकता है मेन्स में, वो पूछा जा सकता है अंडर माइनिंग ऑफ द राज्यसभा इन रिसेंट टाइम्स, कैसे राज्यसभा को अंडरमाइन किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं। एंड जो दूसरा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो ये पूछा जा सकता है रोल ऑफ राज्यसभा इन अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेदर इट हैज एनी रोल टू प्ले और नॉट। तो ये इस आर्टिकल से रिलेटेड था। इसके बाद इस पेज पे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है भीमा कोरेगांव बैटल से लेके, जो भीमा कोरेगांव बैटल है वो 1818 में लड़ा गया था। इट वाज बेसिकली अ बैटल बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठा फोर्सेस, एंड इन दिस बैटल इट इज सेड दैट
Mahars, who were considered as untouchable at that point of time, supported Britishers. As Peshwa declined their help, so ultimately it was won by Britishers, seen as a pride for Dalits. So last year there was a huge controversy around it because of violence. So ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है भीमा कोरेगांव बैटल, इट वॉज 1418-18, एंड किसके बीच में लड़ा गया था, इट वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठास, एंड हु वन, ब्रिटिशर्स वन दैट बैटल, ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद पेज इंटरनेशनल रिलेटेड आज कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी. अब यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 13 में, बिजनेस सेक्शन में. इस आर्टिकल में बैंक्स अंडर पीसीए सिटिंग ऑन कैश पाइल, तो यहाँ पे हमको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है. सबसे पहला है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ये क्या होता है. दूसरा स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड तीसरा लेजी बैंकिंग. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या है. ये आरबीआई ने उन बैंक्स के लिए लाया था addressing the problem due to NPAs. Those banks which were having high NPAs placed under prompt corrective action framework of RBI. And till date, 11 public sector banks placed under prompt corrective action framework. Under prompt corrective action framework, the banks which have been placed under this cannot lend money. तो क्या है कि अब वो क्योंकि पैसा दे नहीं सकते हैं, so they are sitting on a huge pile of कैश. तो ये ध्यान रखिएगा, इसके कारण बैंक्स को घाटा होता है. जब उनके पास कैश ज़्यादा हो जाता है, सो दे कैन नॉट लेंड, सो हाउ दे आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट टू देयर डिपॉजिटर्स, ये ध्यान रखिएगा. इसके कारण एक और जो साइड इफेक्ट हुआ है वो ये है कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो इन बैंक्स का 27-28% बढ़ गया है, विच इज़ मोर हायर देन द आरबीआई मैंडेट ऑफ 19.5%. तो अभी का एसएलआर कितना है, 19.5%. एसएलआर होता क्या है ये देख लेते हैं. SLR is the minimum amount of liabilities that a bank must invest in government securities. तो banks जो government securities खरीद के अपने पास रखते हैं उसको statutory liquidity ratio माना जाता है. यहाँ पे एक और term use हुआ है, वो है lazy banking. Lazy banking क्या होता है, when a bank invests its money in government securities which are risk averse, then it is known as lazy banking. तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी हैं, prompt corrective action framework, statutory liquidity ratio and lazy banking. इस पेज पर जो अब हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फॉरेन फंड से रिलेटेड. इस न्यूज़ में हाईलाइट, इस आर्टिकल में बेसिकली हाईलाइट किया गया है कि द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज़ बीन एट लोवेस्ट लेवल इन 2018 सिंस 2008. एंड इसका कारण क्या दिया गया है, सबसे पहला कारण है वीकनेस ऑफ रूपी, दूसरा कारण है वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, तीसरा कारण है ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना विच मेड इन्वेस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स विच इंक्लूडेड इंडिया. तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ये तीन कारण है जिसके कारण से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर घटा है. सबसे पहला वीकनेस ऑफ रूपी, दूसरा स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी, तीसरा ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना. हमारे लिए क्या यूजफुलनेस है, एक तो डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2018 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या घटा है, तो ध्यान रखिएगा घटा है. इसके अलावा रीजंस दिए जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो ध्यान रखिएगा, तीन कारण है, वीकनेस ऑफ रूपी, वोलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट और ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना. इसके बाद जो इस पेज में हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया टू होल्ड टॉक विद आरसीईपी नेशंस. एंड किन मुद्दों पे बात होगी, सबसे पहला कि द नंबर ऑफ गुड्स ऑन विच इंपोर्ट ड्यूटीज शुड बी एलिमिनेटेड, एंड दूसरा रिलैक्सिंग नॉर्म्स टू रिलैक्स सर्विसेज ट्रेड. इन दो इश्यूज के ऊपर बात होनी है, गुड्स के ऊपर कि कौन से पे ड्यूटीज एलिमिनेट की जा सकती हैं, दूसरा हाउ द नॉर्म्स कैन बी रिलैक्स्ड इन दीज कंट्रीज. RCEP countries इंडिया से क्या चाहती हैं, these countries wants India to eliminate or significantly cut custom duties on maximum number of goods that it traded on. And India क्या चाहता है RCEP countries से, that these countries should open their market for services trade with India. RCEP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, RCEP है क्या. RCEP refers to Regional Comprehensive Economic Partnership and it is a proposed free trade agreement between 10 ASEAN countries and 6 Asia Pacific. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 10 आसियान कंट्रीज कौन सी हैं, एंड जो 16 स्टेट्स हैं, बेसिकली 10 आसियान कंट्रीज एंड 6 एशिया पैसिफिक स्टेट्स. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 6 एशिया पैसिफिक स्टेट्स, दोज आर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो बेसिकली आरसीईपी में 16 कंट्रीज हैं, 10 आसियान एंड 6 एशिया पैसिफिक कंट्रीज. एंड ये पहली बार प्रपोज किया गया था 2012 आसियान मीटिंग में,
And first RCEP summit was held in 2016-17 in Manila, Philippines. ध्यान रखिएगा RCEP से related ये news थी. इसके बाद जो page number 14 में देख लेते हैं कौन सी important news थी हमारे लिए, वो ये थी a year of disruptions for the banking sector. तो यहाँ पे तीन issues को highlight किया गया. Basically इस article में 2018 के अंदर जो banking sector ने गलतियाँ की हैं, जो उनके लिए problems थी वो highlight की गई हैं. पहला है NPA से related, in which RBI has issued a circular that even one day delay in repayment of loan will be marked as non-performing asset. तो ध्यान रखिएगा NPA से related. दूसरा IL and FS के कारण जो liquidity crunch आया market में उसको लेकर के था. And तीसरी जो problem थी वो stand off between RBI governor and government. तो article लिखने वाले ने basically he has suggested that कि we should take corrective steps and the same will not be repeated in 2019. तो यहाँ पे तीन इश्यूज थे, NPA का, लिक्विडिटी क्रंच का, स्टैंड ऑफ बिटवीन RBI गवर्नर एंड गवर्नमेंट. तो ये हो गया इस न्यूज के बारे में. इसके बाद स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी. एंड 18th पेज पे आज एड आया हुआ था. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. थैंक्स वंस अगेन.